सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें अपनी प्रेमिका से मिलने आना प्रेमी को भारी पड़ गया। प्रेमी और उसकी प्रेमिका को गांव वालों ने जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अब जांच में जुटी है। प्रेमी राहुल यूपी से अपनी प्रेमिका गीता से मिलने पिपरिया गाँव आया हुआ था। गाँव वालों ने इन दोनों को एक साथ पकड़ लिया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बात की तो राहुल और गीता ने एक साथ रहने का फैसला किया और गीता के ससुराल वाले भी इस बात के लिए मान गए। मामला शांत होता देख पुलिस वहां से चली गई, लेकिन पुलिस ने सोशल मीडिया पर राहुल और गीता को जूते की माला पहनाकर घुमाने वाला वीडियो देखा, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं राहुल और गीता कहां गए इसका किसी को पता नहीं है। इनको जूते की माला पहनने के साथ इनके साथ क्या सलूक किया गया ये भी पुलिस को वायरल वीडियो से ही पता चला है। दिनांक 10/5/23 को दोपहर में 100 डायल में इवेंट प्राप्त हुआ था। सैलारपुर के उप सरपंच श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा दिया गया था कि पिपरिया गांव में एक यूपी का एक व्यक्ति आया हुआ है जिसे गांव वाले बैठाए हुए हैं और अतर सिंह अंकर सिंह नाम के पुरुष जो वहीं के हैं उनकी पत्नी से उसके पूर्व से बातचीत होती है। इवेंट प्राप्त होने पर थाना जिंदाबाद से 100 डायल गई थी। गाँव में जाने पर वहाँ देखा कि गांव के उप सरपंच कोतवाल सचिव महिला के पति ससुर एवं उक्त व्यक्ति भी वहाँ बैठे हुए। दोनों पक्षों से बातचीत की गई, दोनों पक्षों ने सहमति दी और अपने आप पहले उन लोगों ने बैठ के पंचायत कर ली थी जिसमें महिला गीता बाई के भाई वगैरह नरेश सिंह वगैरह भी वहाँ थे। उन सब ने 100 डायल में जब गए तो उनको बताया कि ये महिला गीता सिंह और जो यूपी का लड़का है राहुल कुमार ये दोनों आपस में साथ में रहना चाह रहे हैं, इससे इन दोनों के लिए लिखा पढ़ी करके हम लोग साथ में इनको भेजना चाहते हैं। पुलिस द्वारा वहाँ मौके पर पूछताछ की गई थी कि किसी के साथ कोई मारपीट की गई है क्या, कोई ऐसी बात तो नहीं, तो उन्होंने बताया किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे महिला गीता बाई को और राहुल कुमार को गांव वालों ने साथ में करके वहां से रवाना कर दिया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।